नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ हम छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जन्माष्टमी के दिन कुछ छोटे उपाय करने से जीवन में अगर काम बिगड़ गए हैं तो वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। अगर जीवन में समस्याएँ आ रही हैं तो उसका भी समाधान हो जाता है। अगर जिन दंपतियों के संतान नहीं है तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो वो भी सुधरने लगती है। इससे पहले कि मैं जन्माष्टमी का महत्व के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के दिन कई लोग व्रत रखते हैं। इस दिन ज्योतिष शास्त्रों में इसका विशेष महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है तो उस दिन व्रत रखना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति निसंतान दंपति बच्चे की कामना हेतु भी व्रत रखते हैं, इससे संतान की प्राप्ति होती। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई भी कुमारी कन्या जिसकी शादी में देरी हो रही है, चाहे मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो उन्हें लड्डू गोपाल के झूले को झुलाना चाहिए। इससे उन्हें का विवाह का संयोग बनता है और विवाह शीघ्र होता है और मन चाह वर की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगता है, क्योंकि माखन, सफ़ेद माखन और मिश्री कृष्ण भगवान जी को अति प्रिय था। मैया उन्हें रोजाना माखन मिश्री खाने को देती थी, इसलिए श्रद्धालु माखन मिश्री का भोग सबसे पहले लगाते हैं। सफ़ेद मक्खन और मिश्री, और आसान है बनाना भी। अब चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन अगर किसी की आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है और आर्थिक परेशानियां हैं, पैसे की तंगी है, पैसा नहीं है, बिल्कुल परेशान है पैसों के लिए और घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये उपाय को ज़रूर करें। जन्माष्टमी के दिन ये बहुत ही शुभ उपाय है और ये बहुत ही फलदायी उपाय है। आपको एक गाय लेना है और गाय का बछड़ा लाना है। आपको गाय लाना है और गाय का बछड़ा, अरे भाई सच का गाय नहीं, गाय की मूर्ति लेनी है। या आप मिट्टी का ले लें, या आप चांदी का ले लें, या आप पीतल का ले लें, जो आपकी सुविधा पड़े वो ले लें, छोटी ले लें, बड़े ले लें, जैसा भी ले लें। आपको गाय और उसके बछड़े की मूर्ति लानी है और अपने घर में रख। इस उपाय को करने से आपके घर में पैसों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा और संतान से जुड़ी अगर कोई भी परेशानियां हैं तो वो भी दूर होगी और जो निसंतान दाम्पत्य हैं उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। इस उपाय को जरूर कर ले जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन अगर ये छोटा सा उपाय कर ले तो इससे भी भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। आपको जन्माष्टमी के दिन एक चांदी का छोटा सा बांसुरी लेना है और उसे पूजा करना है। पूजा स्थान में रख करके उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद उस बांसुरी को उठा करके जहां आप पैसा रखते हैं या तिजोरी में आप पैसा रखते हैं तो उस बांसुरी को तिजोरी में रखते हैं, या अपने पर्स में पैसा रखते हैं तो उस बांसुरी को अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। हमेशा श्री हरि का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। जन्माष्टमी के दिन मान्यता ये भी है कि अगर 56 प्रकार के पकवान का भोग अगर हरि को, श्री कृष्ण को लगाया जाए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन आप पारिजात का पुष्प भगवान कृष्ण को जरूर अर्पित करें, क्योंकि
श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पारिजात के पुष्प अति प्रिय हैं और श्री हरि विष्णु कृष्ण जी के अवतार हैं। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को पारिजात के पुष्प जरूर अर्पित करें, इससे आपकी हर एक कामना पूरी होगी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप की पूजा करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप को शंख में दूध भर करके उससे अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको शंख अति प्रिय है और सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मोर पंख उनका प्रिय है। मोर पंख हो सके तो जरूर अर्पित करें। इन सब छोटे छोटे उपाय को अगर हम जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां, जो काम बिगड़ गए हैं, वो भी सुधर जाते हैं और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए राधे राधे, और इन सब उपायों को जरूर करें।